तो इसमें लोग बात करने वाले गेमिंग फोन बाय करने से पहले किन पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको बेटर से बेटर गेमिंग फोन देखने के लिए मिल सके। जी हाँ पर तो जानने के लिए आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। तो आप देख रहे हैं टेक बिंद्रावन, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं गेमिंग फोन बाय करने से पहले किन पॉइंट पर आपको ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको गेमिंग फोन बेटर से बेटर देखने के लिए मिल सके। जी हाँ पर तो सबसे पहला पॉइंट है कूलिंग सिस्टम। जी हाँ पर कुछ कुछ स्मार्टफोन में आपको लिक्विड कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है और यहीं पर कुछ कुछ स्मार्टफोन में आपको यहाँ पर स्टेनलेस स्टील कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है। जी हाँ पर तो जो कि स्टेनलेस स्टील कूलिंग सिस्टम है, इसमें आपको बेटर से बेटर कूलिंग सिस्टम देखने के लिए मिलता है, जो कि आपका स्मार्टफोन ज़्यादा हीट भी नहीं होता। जी हाँ पर जैसे ही हीट होता है वैसे ही यहाँ पर कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है, जिससे कि जो कि आपका फोन होता है बहुत ही जल्दी यहाँ पर कूल हो जाता है। जी अपन तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है यहाँ पर इंटरनल साउंड। जी अपन कुछ कुछ स्मार्टफोन में आपको देखने के लिए मिलता है इंटरनल साउंड, और जो कि स्पीकर होता है उस पर भी आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। स्टेरियो स्पीकर मिल रहा है या फिर डॉल्बी, इसके अलावा यहाँ पर मोनो स्पीकर मिल रहा है। जी अपन तो जो कि स्टेरियो या फिर डॉल्बी है यह स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है, तो इसमें आपको बेटर से बेटर साउंड क्वालिटी देखने के लिए मिलेगा। जी अपन क्योंकि इसमें आपको 3D इफेक्ट भी देखने के लिए मिलता है, जब कभी भी किसी भी आप गेम को यूज कर रहे हैं तो सिंपली जो कि यहाँ पर एनवायरनमेंट होता है, जो कि उसका साउंड होता है, आपको बहुत ही यहाँ पर 3D या फिर नेचुरल देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ पर तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट है बैटरी कैपेसिटी एंड फास्ट चार्जिंग। जी हाँ पर तो सिंपली जो कि आपका बैटरी होता है, यदि मान लीजिए छोटा रहेगा तो बहुत ही तेज़ी से ड्रेन हो जाएगा, और लॉन्ग बैटरी आपको इसमें बाय करना चाहिए, और साथ में आपको फास्ट चार्जिंग भी देख लेना चाहिए। वह यहाँ पर 30 वाट का या फिर मान लीजिए 50 वाट का या फिर 65 वाट का या फिर 120 वाट का, जो कि अभी न्यूली चार्जर देखने के लिए मिलता है। जी हाँ पर तो सिंपली इन पर भी आपको ध्यान देना चाहिए, जितना ज़्यादा आपका यहाँ पर फास्ट चार्जिंग रहेगा उतना ही आपको बेस्ट क्वालिटी देखने के लिए मिलेगी। तो अगला पॉइंट है स्क्रीन रेजुलेशन। जी अपन जो कि आपका डिस्प्ले होता है, यदि मान लीजिए फुल HD या फिर 4K रहेगा तो उसमें आपको बेटर से बेटर एक्सपीरियंस देखने के लिए मिलेगा, हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, इसके अलावा टच सैम्पलिंग रेट भी आपको बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। यदि मान लीजिए टच सैम्पलिंग रेट या फिर मान लीजिए रिफ्रेश रेट आपको कम देखने के लिए मिलता है, तो जब कभी भी जो कि आपका मूवमेंट होता है यहाँ पर मूव करते हैं तो सिंपली आपको स्लो देखने के लिए मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जब कभी भी आप यहाँ पर टच करते हैं स्क्रीन पर, टच सैम्पलिंग रेट कम रहेगा तो सिंपली वह टच काम नहीं करेगा। जी हाँ पर जितनी ज़्यादा यहाँ पर रिस्पॉन्स मिलनी चाहिए उतनी तेज़ी से नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से आपको गेमिंग का फुल एक्सपीरियंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। जी हाँ पर तो बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो सिंपली अगला पॉइंट है जो कि 3.5 mm का रेडियस है। यदि मान लीजिए आप यहाँ पर हेडसेट लगाना चाहते हैं गेम प्ले को यूज करते हुए, तो सिंपली 3.5 mm का जो कि ऑडियो जैक होता है वह काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा यहाँ पर जो कि थर्ड पार्टी एक्सेसरीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पर कीबोर्ड माउस, इसके अलावा यहाँ पर और भी गेमिंग टूल्स होते हैं, तो सिंपली उसको यूज करने के लिए 3.5 mm का ऑडियो जैक या फिर USB हब भी आपको यहाँ पर देख लेना चाहिए, सपोर्ट करता है OTG केबल या फिर नहीं। जी हाँ पर तो सिंपली इन पॉइंट पर ध्यान देते हुए यदि मान लीजिए किसी फोन को आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, तो बाय करने से पहले सिंपली उस स्मार्टफोन का पब्लिक रिव्यू आपको चेक कर लेना चाहिए, वह फोन किस तरह से आपको देखने के लिए मिलता है, जो लोग उस फोन को बाय कर चुके हैं उसका एक्सपीरियंस कैसा है, फोन ठीक से काम कर रहा है फिर नहीं कर रहा, उसमें गेमिंग एक्सपीरियंस कैसा मिल रहा है। यदि मान लीजिए आप इन सभी पॉइंट को आप ध्यान देते हैं, तो यदि मान लीजिए आप गेमिंग फोन बाय करने जाते हैं तो उसमें आपको बेटर से बेटर क्वालिटी और एक्सपीरियंस और सिंपली जो कि आपका यहाँ पर पावर होता है, प्रोसेसर होता है, वह सभी बेस्ट क्वालिटी का देखने के लिए मिलेगा। जी हाँ पर तो हमें उम्मीद है आप समझ गए हो गेमिंग फोन बाय करने से पहले किन पॉइंट पर ध्यान देना चाहिए जिससे कि आपको बेटर से बेटर गेमिंग फोन देखने के लिए मिल सके। तो इसी तरह से और जानकारी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। कोई सवाल या सुझाव तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।